व्हाट आर दी रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को बनाने के क्या रूल्स हैं। पहली चीज, कंस्ट्रक्टर क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप एक क्लास बनाते हैं, ये आपने क्लास बनाई, क्लास का जो नाम है, ये क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेशन। इसी नाम से अगर आप एक फंक्शन अंदर लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो क्लास में एक कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाता है। आप समझ रहे हैं, जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लीजिए कैलकुलेशन है तो मैं ऐड कर देता हूं, एक मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे ही मैं ये बनाऊंगा और इसको इंस्टेंशिएट करूंगा, अपने आप कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। समझ गया, कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ये इस एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको फ्री में मिलता है, बनता ही बनता है। इसके अलावा क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक फंक्शन है, और क्योंकि फंक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, आप कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, तो क्योंकि ये कैलकुलेटर भी, कैलकुलेशन भी एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो ऐसे आप सौ सैकड़ों कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। बस कंस्ट्रक्टर ध्यान रखिएगा कि उसमें जो इनपुट टाइप होगा या रिटर्न टाइप होगा उस हिसाब से काम करता है। अब मैंने आपको कहा कि रिटर्न टाइप, तो इसका रिटर्न टाइप तो होता नहीं है ना, तो इसके जो इनपुट टाइप है उस पे काम करेगा। पहली चीज, कोई भी जो आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे या जो डिफॉल्ट होता है उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है, ये मेन चीज है। कोई अलग दूसरा फंक्शन बनाएंगे उसमें कम से कम एक वॉइड तो देंगे ही देंगे आप, खाली अगर रिटर्न टाइप नहीं देते हैं तो वॉइड देंगे, इसमें नहीं देने की जरूरत है, इसमें देने की जरूरत, एक तो आपको वैसे ही मिलता है। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बार बार चीजों को इनिशियलाइज ना करें, एक ही बार अगर हमारे कुछ वेरिएबल्स है जैसे x और y है, मैं x को 10 वैल्यू देना चाहता हूँ, y को 10 वैल्यू देना चाहता हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट बने हमेशा 10 वैल्यू देना चाहता हूँ, तो क्या होगा, या 0 देना चाहता हूँ, इनिशियलाइज कर लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि अपने आप जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप ही कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ठीक है, इसका नाम और इसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसको आप स्टैटिक नहीं बहुत बना सकते, कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्ट को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ओवरराइड का मतलब ये होता है इस कंस्ट्रक्टर की मैं दूसरे क्लास में जाके दूसरी डेफिनेशन लिख दूं, नहीं, ये फाइनल भी नहीं हो सकता। फाइनल जो होता है C++ में कांस्टेंट का काम करता है, जो सी में कांस्टेंट था ना वही काम फाइनल करता है, तो इसको कांस्टेंट भी नहीं बना सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके।